हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टैक्स से संबंधित रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने स्टूडियो में, मैं इसे अपना स्टूडियो कहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसे ही मैं अपना स्टूडियो बना कहता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करता हूँ तो आउटसाइड ब्लॉग होते हैं तो सारे, इसलिए स्टूडियो की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ है उसे मैं अपना स्टूडियो मानता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक रिपीटेटिव कंटेंट, रीयूज कंटेंट और एक अलग से है डेसिपेटिव एक्टिविटी, ये क्या होती है इनके बारे में। क्रिएटिव कंटेंट पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन डेसिपेटिव एक्टिविटी क्या है इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। आज मैं आपको सीधा ले चलता हूँ बिना समय गवाए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो रिपीटेटिव कंटेंट और डेसिपेटिव एक्टिविटी और व्यूज कंटेंट, ये तीनों जब मोबाइल आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, जिनका चैनल मोनेटाइज होता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डेसिपेटिव एक्टिविटी क्या होती है। तो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डेसिपेटिव एक्टिविटी के जो होता है उसमें आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। इस डेसिपेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है भ्रामक का फैलाना, किसी चीज में आपके वीडियोस में थंबनेल टाइटल में कुछ और लिखा है, वीडियोस में कुछ और दिखा रहे हैं जिसके बारे में लिखा है उसके बारे में है ही नहीं, वो होता है भ्रम फैलाना। तो अभी जब आपके चैनल पर डेसिपेटिव एक्टिविटी आ जाती है तो आपका चैनल डिमोनेटाइज होता है, हो जाता है, और उसमें आपको यूट्यूब के द्वारा मेल भी आता है और आपको आपके बाईपी स्टूडियो में क्रोम ब्राउजर में आपका चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा एक हाईलाइट करके दिखाता रहता है कि आपके क्या अभी चैनल पे आया हुआ है। तो डेसिपेटिव एक्टिविटी वाला चैनल है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेसिपेटिव एक्टिविटी आई है इस चैनल पे। तो डेसिपेटिव एक्टिविटी आ जाती है उसमें आपको 14 दिन के अंदर अंदर रीअपील करना होता है, वापस से यूट्यूब की टीम को आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे वीडियोज में ऐसा कुछ है नहीं पर आपने मुझे ये गलत तरीके से आपने मेरे चैनल पे ये रिपीटेटिव कंटेंट या रीयूज कंटेंट या डेसिपेटिव एक्टिविटी वाली आ चुकी है, तो आप मैं आपको अपील के थ्रू बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे चैनल पे नहीं है, आपको एक प्रॉपर अपील वीडियो बनानी होती है 14 दिन के अंदर और वो सबमिट करनी होती है। अगर जब आप पे ये समय निकल जाता है और उसके बाद आपको फिर 90 डेज का इंतजार करना होता है, अगर 14 दिन का समय निकल गया आपने अपील वीडियो सबमिट नहीं की तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपको कंटिन्यू वीडियोस बनानी है और आपको फिर 90 दिन बाद में रीअप्लाई का एक ऑप्शन खुलेगा। तो अभी आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 90 दिन बाद में आपको वापस से रीअप्लाई का ऑप्शन खुलता है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, जब रीअप्लाई करते हैं उससे पहले आपको जो भी वीडियोस ऐसी लग रही हैं कि इन वीडियोस की वजह से हमारे चैनल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है तो उन्हें डिलीट करनी होती है। पहले मैंने इसमें क्या था प्राइवेट कर दी थी, पर जब उसमें देखा आगे तो उसमें बताया कि आप प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके ही चैनल पे ये वीडियोस रह जाएंगी, तो आप इनको प्राइवेट ना करके सीधा डिलीट करिए। तो जो जो मैंने प्राइवेट की हुई थी उनको फिर डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद में सीधा हम डिलीट करने के बाद में 90 डेज का टाइम पूरा होने के बाद में रीअप्लाई करने के लिए आपका बटन इनेबल हो जाता है। तो इनेबल होने के बाद में इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आता है ये देखिए, यू हैव रीअप्लाइड, हमने इसको रीअप्लाई कर दिया है, और रीअप्लाई करने के बाद में आपको देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यू हैव रीअप्लाइड, वी विल रिव्यू वेदर योर चैनल फॉलो यूट्यूब टीम्स, चैनल मोनेटाइज पॉलिसीज विल मेल योर डिसीजन यूजुअली विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर आपको रीअप्लाई किया है उसका एक महीने के अंदर अंदर आपको यूट्यूब टीम के द्वारा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो अभी देख सकते हैं मैंने ये आपको रीअप्लाई करके दिखा दिया है सीधा, और ये सीधा लिखा है योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, जो आपने अभी रीअप्लाई किया है वो आपका रीअप्लाई अंडर रिव्यू जा चुका है, उस पर अभी यूट्यूब टीम्स उस पर देखेगी कि आपके चैनल को पूरा रिव्यू करेगी कि उसमें क्या सुधार किया है, आपने कुछ वीडियो डिलीट किए हैं कि नहीं किए हैं, उसका पूरा रिव्यू लेने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपके चैनल को वापस से, अगर आपका चैनल सही पाया जाता है तो वापस से आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यू आर रिव्यू अंडर रिव्यू। तो इस तरीके से डेसिपेटिव एक्टिविटी या रीयूज कंटेंट या रिपीटेटिव कंटेंट आता है तो आप इस तरीके से आप रीअप्लाई कर सकते हैं 90 डेज के बाद, अपील कर सकते हैं 14 दिन के अंदर अंदर, अगर अपील नहीं कर पाते किसी कारणवश तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं और आपका चैनल सीधे सीधे 90 दिन बाद में अगर कोई गलती नहीं है तो आपका विद इन 2 से 3 डेज के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, मैंने मेरा चैनल सुबह 9:30 बजे जो ये चैनल है
उसको मैंने सुबह 9:30 बजे रीअप्लाई किया था और शाम को लगभग 4:30 बजे के समथिंग मुझे मेल मिला कि आपका चैनल वापस से मोनेटाइज हो चुका है। तो इसलिए तो दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रीयूज कंटेंट और रिपीटेटिव कंटेंट से हटके ये डेस्परेट एक्टिविटी वाला मेरे को देखने को मिला, तो मैंने सोचा आप तक ये इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा दूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हम तो ब्लॉग शूट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो चलते हैं, बाय बाय, बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।